अस्सलाम वालेकुम। आज हम शुरू कर रहे हैं फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर टू, जिसमें लेक्चर नंबर वन है। चैप्टर नंबर टू का आपका टाइटल है एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है, नॉर्मली मैं अक्सर स्टूडेंट से जब डिस्कशन करता हूँ तो आई कॉल इट ग्रामर ऑफ केमिस्ट्री। अगर आपने केमिस्ट्री का सही फोकस सीखना हो, स्पेशली केमिकल बॉन्डिंग को सही अंदाज से सीखना है, तो आपको ये चैप्टर अच्छी तरह अंडरस्टैंड करना है। इस चैप्टर के स्पेशली जो आखिरी टॉपिक्स हैं वो क्वांटम नंबर्स और बोर एटॉमिक मॉडल और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ये चीज़ें बहुत अच्छी तरह आपने अंडरस्टैंड करनी है। सो लेट स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये आइडिया शुरू किया था माइकल फेरेडे ने, और माइकल फेरेडे जो था उसने इलेक्ट्रिसिटी डिस्कवर की थी, और फिर वो मुख्तलिफ चीज़ों के इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी स्टडी कर रहा था। वाइल डूइंग सो उसका ख्याल आ गया टुवर्ड्स द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ गैसेस। तो इसने यहाँ किसी गैस को रख दिया जिसका प्रेशर था 1 एटमॉस्फेयर, यानी 760 mm ऑफ मरकरी, और फिर यहाँ दो इलेक्ट्रोड्स फिक्स कर दिए, और एक इलेक्ट्रोड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया जिसको नाम दिया एनोड, दूसरे को नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया जिसको नाम दिया कैथोड, और फिर यहाँ उसने मुख्तलिफ तरह का के पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किए। तो उसका ख्याल था कि शायद पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाने से, कम करने से हो सकता है कि ये गैस इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी दे दे। बट ही कंक्लूडेड के वट एवर द पोटेंशियल डिफरेंस वी प्रोवाइड, द गैस इज नेवर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। सो उसने कंक्लूड किया द गैसेज आर नॉन कंडक्टर, गैसेज आर नॉन कंडक्टर। बाद में एक साइंटिस्ट आया विलियम क्रूक्स, तो विलियम क्रूक्स ने यही एक्सपेरिमेंट थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया। उसने यहाँ इस ट्यूब में, इस ग्लास बल्ब में इलेक्ट्रोड उसी तरह फिट कर दिए, और फिर यहाँ एक हाई पोटेंशियल डिफरेंस दिया, अबाउट 5000 वोल्ट का पावर दिया, और फिर जो है इसने यहाँ एक मॉडिफिकेशन ये किया कि यहाँ वैक्यूम पंप लगा दिया, और फिर यहाँ गैस बन की जिसका प्रेशर था 1 एटमॉस्फेयर। तो 1 एटमॉस्फेयर पे तो ये ऑलरेडी क्लैरिफाइड था कि ये कंडक्शन नहीं देगा। वो आहिस्ता आहिस्ता सर्किट को उसने ऑन रखा था और यहाँ से गैस को निकालता रहा, तो यहाँ आहिस्ता आहिस्ता क्या होता रहा, गैस का प्रेशर कम होता रहा कम होता रहा, और जो ही इस गैस का प्रेशर पहुंच गया 0.1 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, या आप कह सकते हो 0.1 टॉर्स, या आप कह सकते हो 0.01 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। ये वैल्यूज आपको याद रखने हैं, ये यूनिट्स में अक्सर एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं। तो इस प्रेशर पर क्या हुआ, इस प्रेशर पे इस ट्यूब में एक ग्लो अपियर हुआ, इस पूरी ट्यूब में एक ग्लो अपियर हुआ, और इस ग्लो के बनने की वजह क्या है, दिस ग्लो इज फॉर्म ड्यू टू एक्साइटेशन एंड डी एक्साइटेशन ऑफ एंड डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन मोलिक्यूल्स ऑफ द गैस, और दूसरा इसमें यह है कि इट्स कलर डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ द गैस एज वेल एज डिपेंड्स अपॉन मटीरियल ऑफ द ग्लास, मटीरियल ऑफ द ग्लास, इन दोनों पे जो है ये स्ट्रिक्टली डिपेंड करता है इस ग्लो का कलर। तो इससे एटलीस्ट ये प्रूफ हुआ कि गैसेस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एट लो प्रेशर, नॉर्मल प्रेशर या हाई प्रेशर पे नहीं कंडक्ट करते, लो प्रेशर पे कंडक्ट करते। उसने जब इस प्रेशर को मजीद कम करते हुए कहां तक ये प्रेशर ले गया, इस गैस का प्रेशर जब कम होते होते पहुंच गया, ये वही सेटअप है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना था,
अबाउट 5000 वोल्ट. जब इसका प्रेशर मजीद कम किया और प्रेशर पहुंच गया 0.01 मिलीमीटर ऑफ मरकरी तक, या आप कह सकते हो 0.001 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी तक, तो इस प्रेशर पर जो है ग्लो, द ग्लो डिसअपीयर्ड और अ डार्क वैक्यूम वाज सीन, एंड डार्क वैक्यूम वाज सीन. और इसकी वजह क्या है? सो इट इज ड्यू टू इंक्रीज ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस. बेसिकली यहां इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस बढ़ गया, उस वजह से ग्लो डिसअपीयर्ड, कंडक्शन हैज बीन फिनिश्ड. तो इस इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस को कवर करने के लिए ये पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाना पड़ेगा. और जब ये पोटेंशियल डिफरेंस वो बढ़ाता रहा और बढ़ाते बढ़ाते पहुंच गया कहां तक? 10,000 वोल्ट तक. तो फिर इस 10,000 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस पर उसने देख लिया कि सम क्लियर रेज वर मूविंग फ्रॉम कैथोड टुवर्ड्स द एनोड. जब ये पावर कहां तक पहुंच गया? 10,000 वोल्ट तक. तो फिर सम क्लियर रेज वर सीन मूविंग फ्रॉम कैथोड टुवर्ड्स द एनोड. दीज रेज वर गिवन द नेम कैथोड रेज, क्योंकि शुरू में ख्याल था कि कैथोड रेज ओरिजिनेट फ्रॉम द कैथोड. बाद में पता चला कि कैथोड रेज एक्चुअली ओरिजिनेट फ्रॉम द गैस आफ्टर द आयनाइजेशन ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स. तो कैथोड रेज का ये कुछ कंडीशन आपको याद होनी चाहिए कि पोटेंशियल डिफरेंस 10,000 वोल्ट होना चाहिए और जो है प्रेशर ऑफ द गैस कितना होना चाहिए. प्रेशर ऑफ द गैस जो है इसके लिए प्रेशर ऑफ गैस कितना होना चाहिए? 0.001 सेंटीमीटर या 0.01 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, इतना प्रेशर होना चाहिए. और ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है, जरूरी नहीं है कि ये लाजमन 10,000 वोल्ट हो. ये 10,000 से आप वेरिएट भी कर सकते हैं इफ यू चेंज द डायमेंशंस ऑफ दिस ट्यूब. अगर इस ट्यूब के साइज को आप चेंज करते हो तो पोटेंशियल डिफरेंस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कैथोड रेज इट विल बी चेंज ऑटोमेटिकली. ठीक है.